गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन सब की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर और सस्पेंशन में इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर। नाउ स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इन तीनों को। ट्रू सॉल्यूशन का जैसे एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। अब मैं ये सॉल्ट डिसॉल्व करूँगी तो ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे लिक्विड यानी वाटर। तो दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। कैसा, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी। तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया और हमें एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर मिल गया। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, जहाँ पे एक ही फेज होती है। जो होमो का क्या मतलब होता है, सेम, जो हर जगह से सेम रहता है, एक ही फेज होती है जिसमें। तो ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारा है सस्पेंशन, उसका एग्जांपल है हमारे पास सैंड इन वाटर। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने सैंड डिसॉल्व कर रखी थी पानी के अंदर, तो ये बैठ गई है नीचे। वी कैन सी हियर, जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गई एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो ये क्या है, सस्पेंशन है, जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दो फेज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल है हमारा मिल्क। ये अपीयर तो करता है होमोजीनियस, लेकिन वैसे क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैसा है कि अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से, अगर हम देखें तो हमें दिखेंगी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्लोट करेंगे लिक्विड में, दो फेज दिखेंगे, इसलिए ये क्या है, हेट्रोजीनियस। लगता है ये होमोजीनियस है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो मिल्क ये एक एग्जांपल है, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ दिख भी रही हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन मिल्क। तो ये थे तीनों के एग्जाम्पल्स। नाउ स्टूडेंट्स, अपीयरेंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने अभी एग्जांपल भी देखा था। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और सस्पेंशन कैसा होता है, ओपेक। नेचर, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। विजिबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशन इनविजिबल होता है, हम यहाँ पे देख ही नहीं सकते। ये जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था, हम पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते, तो इनविजिबल। कोलाइडल सॉल्यूशन विजिबल थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। सस्पेंशन क्या है, विजिबल थ्रू नेकेड आई। हमने देखा था यहाँ पे कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिख रहे थे नेकेड आई से। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, यानी स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, लेकिन सस्पेंशन में सेटल हो जाते हैं ऑन स्टैंडिंग। हमने यहाँ पे देखा भी था, ये जो सैंड पार्टिकल्स जो हैं ये सेटल डाउन हो गए एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से ये सेटल डाउन हो गए सैंड। फिल्ट्रेबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाता है थ्रू फिल्टर पेपर, इसलिए हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। कोलाइडल सॉल्यूशन
पास कर सकते हैं, पास हो सकते हैं थ्रू अ फिल्टर पेपर. कोलाइड्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. और जो सस्पेंशन है ये पास नहीं होते फिल्टर पेपर से, इसलिए हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लाइट स्कैटरिंग. जो ट्रू सॉल्यूशन है ये स्कैटर नहीं करते लाइट को. कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, और जो सस्पेंशन है वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को. एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस किया था, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क या फिर सोप सॉल्यूशन, और सस्पेंशन यानी सैंड सॉल्यूशन.